सो हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग हैं अभी ओमान में, और ओमान में वर्कर लोगों के लिए देख लीजिए कंपनी कितना अच्छा जिम दिया है। और यहाँ पे हर कंपनी देती है दोस्तों, लेकिन इस कंपनी का फैसिलिटी कुछ अच्छा है। और आप देख सकते हैं बहुत प्रोफेशनल जिम क्लब दिया है, और वर्कर लोग काम करके आते हैं और 7 बजे तक अपना जिम करते हैं। सुबह में भी खुला रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह का, ये देख लीजिए डंबल 20 25 15 5 10 ऐसे है हर केजी का। और आप देख सकते हैं भैया देख लीजिए कर रहे हैं, और ये भैया अभी रनिंग कर रहे थे, आप देख सकते हैं ये मशीन है। थोड़ा एक बार और करिए ना इसको 2 मिनट, देख सकते हैं दोस्तों ये रनिंग करने वाला है। और भैया देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं, अभी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये देख लीजिए। और देखिए अभी गो होगा, ओके, अभी देखिए स्लो चलने लगा ये, अभी स्टार्ट होकर और इसका स्पीड बढ़ने लगता है दोस्तों, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसका फैसिलिटी अच्छा है दोस्तों, और ये है पूरा सिस्टम, इसको उठाया जाता है दोस्तों। और भैया डंबल कर रहे हैं, और ये हर एक प्रकार का है, ये भी देख सकते हैं बहुत वजन है भाई। हर जगह है, जितना साइड है इस कंपनी का वहाँ पे हर जगह डंबल है कि आदमी फिट रहे और अपना अच्छा से बॉडी बनाए और काम करे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए कैसे ओमान में काम हो रहा है और वर्कर लोगों के साथ कैसा सिस्टम होता है और कैसा बिहेव होता है दोस्तों, इस चैनल ओनली फॉर सत्य बाबू, मैं अपने यानी लाइफ के बारे में जैसा मैं वर्क करता हूँ, जैसा मैं जहाँ जाता हूँ दोस्तों उस टाइप का मैं वीडियो डालता रहता हूँ, ब्लॉग टाइप का। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे बहुत मज़ा आया है क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो मैं एसी के पास में हूँ और ये जो कूलिंग हवा आ रहा है दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, और आप देख सकते हैं। और मैं बाहर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, तो आइए एक बार और बाहर का देख लेते हैं, उसके बाद से वीडियो को एंडिंग करते हैं। दोस्तों ये है अंदर का, और ये गेट है दोस्तों, यहाँ पे नो स्मोकिंग, मल्टीपल स्कॉट्स आपको। और ये बाहर है दोस्तों, ये केबिन है, और आप देख सकते हैं, और जो अभी दिख रहा है दोस्तों ये खाना खाने के लिए, जैसे आप बोल सकते हैं मेस क्लब है दोस्तों। और ऐसे ही रहता है वर्कर लोगों के लिए दोस्तों, ये इस टाइप का केबिन बनाया जाता है दोस्तों, और यहाँ पे धूप के चलते इसमें हर एक घर में एसी होता है दोस्तों, बहुत धूप होता है, और धूप के चलते बिना एसी का रहना नामुमकिन है दोस्तों। और आपको दिखा देता हूँ, ये ग्राउंड एरिया है दोस्तों, ये पूरा गाड़ी लगता है दोस्तों यहाँ पे वर्कर लोगों को ले जाने के लिए। और आपको अगर दिखता होगा तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी है और वो मस्जिद है दोस्तों, मस्जिद से आ रहे हैं नमाज पढ़ के। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों,
तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल दोस्तों।